नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिवनी जिले के धुमा थाना में पदस्थ थाना प्रभारी राहुल बघेल पर युवक मोनू ताम्रकार ने आरोप लगाया है कि उसकी बेवजह डंडे से पिटाई की गई और उसके ऊपर झूठा मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसकी पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। वहीं इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी राहुल बघेल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मीडिया में वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाया है उसके ऊपर कुल 21 सट्टे के मामले दर्ज हैं, साथ ही उक्त युवक पर जिला बदर की कार्यवाही भी लंबित है। युवक ने जो आरोप लगाया है वो गलत है। युवक को सट्टे के मामले में पकड़ा गया था और उसके ऊपर केस पंजीबद्ध किया गया है। युवक निराधार आरोप लगा रहा है। नाम लाल जी रगड़िया है, हम साहब के साथ गए थे, साहब ने मोनू ताम्रकार को सट्टा पकड़े थे और कार्रवाई करके वहीं छोड़ दिए थे। ये मोनू ताम्रकार जो है पुराना अपराधी है और जिला बदर का भी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हाँ, उसका भी सट्टा पकड़े थे लेकिन कार्रवाई करके वहीं छोड़ दिए। नहीं, कोई कार्रवाई मारपीट नहीं हुई है, वहीं पर छोड़ दिए थे उनको कार्रवाई करके। चाह रहा है, पहले भी कई जो भी ऑफिसर आए हैं उनको भी फंसाने का ये लोग करते रहते हैं। साहब जब से यहाँ आए हैं तो पूरा यहाँ का धुमा का जितना भी सट्टा जुआ शराब जितना जो भी चल रहा है सब बंद करा दिए हैं, इसलिए इन लोगों को काम चल नहीं रहा है तो उठ पटांग लेके और फंसाना चाहते हैं। आपको ये जो पैरों में पीछे तरफ चोट है वो किस कारण से आई? वो मेरे को राहुल बघेल सर ने मारा है, ये धुमा प्रभारी है। किस दिनांक की घटना है ये? 7 तारीख की घटना है। अच्छा, किस कारण से मारे? उन्होंने मेरे को फोन लगाकर बुलाया। कहाँ पे? थाने में। अच्छा, और मेरे को थाने में बुलाकर मैंने उनसे नमस्कार किया जी। वो उसका वो ड्राइवर रहता है, उससे बोले इस मादा चूत का मोबाइल लो और इसको बिठा लो। ड्राइवर का नाम क्या है? रवि यादव। अच्छा, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मेरे को 2-2.5 घंटे बिठाला। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरे ऊपर पहले दबाव बनाया। अच्छा, कि तुम सट्टे का काम स्वीकार करो। हाँ, कि हम तुम सट्टा का काम करते हो। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं जब करता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों स्वीकार करूँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। हाँ, जिसकी ये चोटें हैं मेरे को। अच्छा, और फिर बाद में उन्होंने रात में माने कि वो चले गए थे बाहर, वहाँ से आकर फिर उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया, फिर मारपीट की और मेरे से सट्टे की पर्ची जबरदस्ती बनवाई। थाने में हुआ है और मेरे साथ माने की जोर जबरदस्ती करके मेरी सट्टे की पर्ची बनवाई और मेरे को तो किया। सट्टे का भी प्रकरण बनाया गया? हाँ, सट्टे का झूठा प्रकरण बनाया गया। झूठा इन लोगों का केस बनाने परसों 7 तारीख को निशांत मोनू ताम्रकार संतनगर निवासी और सुनील पिता अन्नीलाल साहू, इन लोगों का सट्टा पट्टी का मामला दर्ज किया। एक सट्टा पट्टी मेरे हमारा हमारे ASI आर एस ठाकुर साहब ने और एक LS ठाकुर साहब ने, दोनों ने सट्टा पट्टी का मामला दर्ज किया। इसमें स्वतंत्र गवाह संजू झारिया एवं लालजी भी थे और इन लोगों के विरुद्ध सट्टा मिला तो हमने सट्टा पट्टी का मामला दर्ज किया। मौके पर सट्टा पट्टी की कार्रवाई की गई और उन्हें वहीं के वहीं जमानती कार्रवाई करके रवाना कर दिया गया। जो मेरे खिलाफ ये गलत सलत आपराधिक षड्यंत्र रचना है ये बिल्कुल 100% निराधार है। ना मेरे द्वारा इनके विरुद्ध कोई मारपीट की गई है, ना मेरे द्वारा इन्हें कभी कुछ धमकी दी गई है। मैंने तो कानूनी कार्रवाई है वो किया है। चूँकि दूसरी बात, जिस मोनू की बात हो रही है तो मोनू थाना धूमा का लिस्टेड व्यक्ति है, इसके विरुद्ध 16 आपराधिक मामले और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई मिला के 21 इसके खिलाफ हमारे पास रिकॉर्ड है। पूर्व थाना प्रभारी द्वारा 25/4/2019 को इसके विरुद्ध जिला बदल भी किया गया था। अब चूंकि एक जिला बदल व्यक्ति अच्छे काम करने वाले के लिए ऐसी आपराधिक षड्यंत्र रचेगा तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। मेरे द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, मैंने केवल कानूनी कार्रवाई किया है। मैंने कि इनके साथ कोई कभी मारपीट नहीं की है।